So hi everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know, NABARD का examination अब बस आने ही वाला है. जुलाई अगस्त में we can expect the notification and phase one we can expect in the month of September. Right? So all these things we all know, ठीक है. But जब भी हम NABARD के examination की बात करते हैं तो सबसे important topic NABARD के exam को clear करने के लिए हमें चाहिए that is the government schemes. Government scheme जो है मैं कहूँगा yes सबसे ज़्यादा important है. अगर हम NABARD एग्जामिनेशन की बात करते हैं स्पेशली ग्रेड ए की, राइट. तो अब सवाल ये है, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अभी भी कि गवर्नमेंट स्कीम्स हमें क्यों करने की जरूरत है, कहां से करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, और इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स कर सकते हैं. सो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. तो बस ज्यादा नहीं, मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगा और आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी ऑन दी गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, फ्रॉम वेयर टू कवर, किस तरीके से कवर करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो. सो प्लीज वॉच टिल द एंड, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गाइज इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइक जैसे सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स की जरूरत है NABARD एग्जामिनेशन के लिए. तो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको जो एनालॉजी बताई है बिल्कुल वही एग्जैक्ट एनालॉजी फिट बैठती है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए. अगर हम मैं NABARD एग्जाम की बात करूं, अगर आप बिना गवर्नमेंट स्कीम्स के NABARD के एग्जामिनेशन देने जाओगे, NABARD ग्रेड देने जाओगे, तो मत जाओ, देयर इज नो यूज, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है फिर एग्जामिनेशन देने का. तो गवर्नमेंट स्कीम्स का गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना उसके यू कैन नॉट क्रैक द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप, कि ये कहां कहां इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ फेज वन में इंपॉर्टेंट है या फेज टू में इंपॉर्टेंट है या दोनों में इंपॉर्टेंट है. तो लेट मी टेल यू दिस, द टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम इज इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन. फॉर फेज वन इट इज इंपॉर्टेंट, फॉर फेज टू इंपॉर्टेंट, and of course they can ask you any question from the government schemes in the interview as well. So it is important for all the three phases. Agar hum phase 1 ki baat kare to GA ESI ARD tino mein government schemes ke question hote hain. GA mein I agree ek do questions honge, zyada nahi honge, wo bhi bahut basic nature ke honge, but in ESI and ARD out of 40 questions, isme 40 questions hote hain, isme bhi 40 questions hote hain, theek hai. So out of 40 questions एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो आपके गवर्नमेंट स्कीम से होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके कहां से होंगे, गवर्नमेंट स्कीम से. तो यू कैन सी 1/4 ऑफ द पेपर ऑफ ESI एंड ARD कहां से होने वाला है, गवर्नमेंट स्कीम से होने वाला है. तो यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन फेज 1. नाउ टॉकिंग अबाउट फेज 2, फेज 2 में ESI और ARD का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट अगेन 10-12 क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा पूछने के लिए बच नहीं जाता है. सो 10 से 12 क्वेश्चन अगेन किससे होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से होते हैं. सो दिस इज द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. एंड इन इंटरव्यू एज वेल, कोई भी अगर लैंडमार्क स्कीम के बारे में अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. आप उनको मना थोड़ी कर दोगे कि नहीं साहब आपने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कैसे पूछ लिया, राइट. तो तीनों ही फेजेस में गवर्नमेंट स्कीम का स्कोप है और इंपॉर्टेंस है तीनों ही फेजेस में, राइट. नाउ अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम स्टार्ट कहां से करें गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ना. भाई गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत सारी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्रीज है मेरे को शुरू करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स. तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट स्कीम को आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि कौन सी स्कीम मुझे पहले करनी है, कौन सी स्कीम बाद में करनी है. तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. See, generally the questions are from those schemes which have been in the news in the last 1 year. So, सबसे पहले आपको वो करना है, previous year's paper को examine करना है, ठीक है. आप क्या करोगे, previous year's paper को examine करोगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो schemes हैं पिछले एक सालों में जो स्कीम न्यूज में थी वो सबसे ज्यादा न्यूज में आई है. उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी स्कीम की, राइट. एंड देन यू कैन प्रायोरिटाइज द स्कीम, जो कि मैंने आपको बताया. सबसे पहले आपको कौन सी स्कीम करनी है, वो स्कीम जो कि पिछले एक सालों से न्यूज में थी, राइट. सो दिस इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू ऑल दो स्कीम्स विच वर इन न्यूज इन द लास्ट 1 ईयर. और जनरली ना क्या होता है, सारी स्कीम्स ही न्यूज में होती है, जितनी भी लैंडमार्क स्कीम्स है ना
वो सारी न्यूज में हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी एनिवर्सरी मना रही होती है हर साल हर स्कीम की जो भी लैंडमार्क है, तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे न्यूज में आई जाती है। हमने पीआईबी 247 के सेशंस में ये बात देखी है। आप अगर रेगुलर फॉलोअर हैं पीआईबी 247 सेशंस के, तो यू कैन रियलाइज दिस थिंग कि जितनी भी लैंडमार्क स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हर साल ऑलमोस्ट न्यूज में रहती है। ठीक है, तो स्कीम्स इन न्यूज का मतलब यहाँ पे ऑल द लैंडमार्क स्कीम्स इन न्यूज, नंबर वन। एंड नंबर टू, ऑफकोर्स अगर कोई न्यूली लॉन्च स्कीम्स है तो, ठीक है, एंड ऑफकोर्स जो भी स्कीम बजट में अनाउंस हुई है, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एनी स्कीम इन न्यूज इन द लास्ट वन ईयर, और इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पीआईबी 247 सेशंस इन द बाद, राइट। आफ्टर डूइंग दी स्कीम्स यू हैव टू डू द लैंडमार्क स्कीम्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लैंडमार्क स्कीम्स करनी है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो पीएम किसान योजना इज अ लैंडमार्क स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अ लैंडमार्क स्कीम, राइट, मनरेगा इन द एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज अगेन रेड इज अ लैंडमार्क स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये स्कीम्स जो कि बहुत ज्यादा हाइप्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो ऑल दी स्कीम्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ लैंडमार्क स्कीम्स, एंड यू हैव टू कवर देम आफ्टर कवरिंग द स्कीम्स इन न्यूज। और अगर फिर आपके पास टाइम बचता है, तो बाकी बची कुछ स्कीम जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से है, वो आपको कर लेनी है। अब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन प्रायोरिटाइज योर स्कीम्स। सबसे पहले आपको करना है स्कीम्स इन न्यूज, देन यू हैव टू डू द लैंडमार्क स्कीम, देन यू हैव टू डू द अदर स्कीम्स अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बाकी 80-90% तो आपका यहीं तक, इतने में ही कवर हो जाता है 90%, आई वुड से 10% अगर आपकी किस्मत खराब है और पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया है, तो उल्टे सीधे स्कीम्स में से क्वेश्चन बनता है, राइट। एंड नाउ अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई देखो, गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट तो 100 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने, 80 पन्ने ऐसे होते हैं, ऐसे इतने नंबर ऑफ पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो अब उस जब डॉक्यूमेंट को आप खोल के देखोगे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या फोन पे, तो आपका दिमाग घूम जाएगा डेफिनेटली कि भाई क्या क्या करूं मैं इसमें से, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ नॉट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने ही करने होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, जो कि मैंने आपको तरीका बता रखा है, बहुत आसान होता है। इफ यू नो द नेम ऑफ द स्कीम, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मिनिस्ट्री। देन लॉन्च ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नबार्ड एंड आरबीआई ग्रेड बी बोथ, मिनिस्ट्री और एनी नोडल एजेंसी विच इज इंप्लीमेंटिंग दैट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है, या फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है कोई, ठीक है। उसके अलावा फंडिंग पैटर्न, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रेशियो है, और अगर लोन दिया जा रहा है तो व्हाट इज द साइज ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जैसा अभी हमने रिसेंटली एक स्कीम में देखा था, या फिर अगर कोई इंटरनेशनल बैंक उसको फंड कर रहा है तो वो चीज। एंड फाइनली मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, लाइक फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल पे अगर कोई कमेटी है, स्टेट लेवल पे कोई कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कमेटी है, उनके चेयरपर्सन और उनका क्या फंक्शन है। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कीम दैट यू हैव टू डू। एंड इसके अलावा अगर कुछ की पॉइंट बच जाता है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। नाउ अब आप ये सोचोगे कि भाई इतनी सारी चीजें हम खुद कैसे करेंगे, हम एक एक स्कीम के डॉक्यूमेंट का जो कि 100+ पेजेस का होता है उसको सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाएंगे तो हमारा तो पूरा टाइम चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे गवर्नमेंट स्कीम के सेशंस देखने हैं, दैट्स इट। और लास्ट ईयर जिन लोगों ने पेपर दिया था, आप उनसे पूछ सकते जाके कि कितना बेनिफिट उन लोगों को हुआ था थ्रू दोज गवर्नमेंट स्कीम्स का सेशन। और इस साल मैंने शुरू कर दिया है, आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 बजे गवर्नमेंट स्कीम्स, और ट्यूजडे को एआरडी करंट, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कवर गाइज इन द गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड नाउ लेट मी शो यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दैट यू हैव टू डू फॉर द नबार्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर पार्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट, एआरडी की अगर मैं बात करूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दीज आर द मिनिस्ट्रीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट। बट वी डोंट हमारे पास सिर्फ एआरडी नहीं है, वी ऑल्सो हैव ईएसआई एज वेल, राइट। सो ईएसआई के लिए भी हमें स्कीम्स करनी पड़ेगी, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, फाइनेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी,
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दीज आर दी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दैट यू हैव टू डू फॉर दी अपकमिंग नबार्ड ग्रेडर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इससे बाहर मिनिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर एक दो आ भी गया तो कोई बात नहीं, हमें 100% क्वेश्चन करके नहीं आने हैं। द टारगेट इज टू गेट द जॉब, इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन। हमें वहां पे किसी को दिखाना नहीं है कि देखो भाई हमारे 100 में से 100 नंबर आए थे नबार्ड में, कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज का, राइट। सो दीज आर द मिनिस्ट्रीज दैट यू हैव टू डू फॉर द अपकमिंग नबार्ड एग्जामिनेशन, राइट। एंड नाउ फ्रॉम वेट टू कवर में देखो, अपनी तारीफ में ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने एक बार कर दी है, मैं बार बार नहीं करूंगा। If you want to cover all these schemes, you can search for Anuj Jindal Government Schemes on YouTube. There you will get a playlist. और government schemes का हमेशा से भोकाल मचा रहता है, बट इतना कोई difficult वो है नहीं, ठीक है, अगर आप उसको strategically पढ़ोगे तो। और strategically आपको खुद से notes बनाने की जरूरत नहीं है, just आप sessions देखो और जो PDF मैं आपको देता हूँ उसी में से अगर आप कुछ notes बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, right? Now अब enrolled students के लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूँ, enrolled student को लगेगा कि यार आप हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो उनके लिए डेफिनेटली एक्स्ट्रा चीजें की जाएंगी, बिकॉज यूट्यूब पे इट इज एक्चुअली समवट नॉट पॉसिबल कि मैं सारी की सारी स्कीम्स करा दूं, ठीक है, सारी की सारी स्कीम्स कराना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यस लास्ट ईयर तो मैंने करा दी थी, इस साल देखते हैं करा पाऊंगा कि नहीं। सो फॉर एनरोल स्टूडेंट आई विल बी सून कमिंग अप विद अ लाइव क्लास, ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, फॉर आरबीआई सेबी एंड नबार्ड वी हैव स्टार्टेड अ लाइव क्लास कोर्स, ठीक है, लाइव क्लास कोर्स हमारा लॉन्च हो गया है फॉर ऑल द थ्री रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, आरबीआई से भी नबार्ड, नबार्ड के लिए द क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड, आरबीआई के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15th जुलाई, सेबी के लिए द क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड, नबार्ड के लिए भी शुरू हो चुकी है, सेबी के लिए भी शुरू हो चुकी है, आरबीआई के लिए स्टार्ट होगी 15 जुलाई से, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू हैव, सो इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय द लाइव क्लासेस यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेस, एंड ऑफकोर्स एनरोल करने के लिए आपको anujjindal.in पे जाना है, ठीक है। सो फॉर एनरोल स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की भी लाइव क्लासेस होंगी, सो डोंट यू वरी, आपको आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं हमें तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, राइट। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट, आई होप द डाउट्स आर क्लियर, अगर फिर भी कोई डाउट बच गए हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और वो डाउट्स मैं आगे आने वाली वीडियोज में ले लूंगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप पिछले साल का नबार्ड का एग्जामिनेशन देखोगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।